यूं तो हर साल टेलीविजन पर नए शोज आते और जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 20 अपकमिंग शोज के नाम बताने वाले हैं जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पर होने जा रहे हैं ऑन एयर। तो वो कौन से हैं 20 शोज जो बहुत ही जल्द होंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऑन एयर, आइए वीडियो को देखते हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पहले शो का नाम है कसम तेरे प्यार की, जो के होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च और करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी। अगर बात करें इसके सीजन 1 की, जिसमें हमें शरद मल्होत्रा और कृतिका सेंगर की केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसने व्यूअर्स के दिलों पर पूरे 2 साल तक राज किया, और फिर ये शो 27 जुलाई 2018 को 623 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर हो गया। आप इसके सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है बालवीर, जो के होगा सोनी सब पर लॉन्च और करेगा तीसरे सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी। इस शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसके पहले सीजन में हमें देव जोशी, करिश्मा तन्ना, अनुष्का सेन और श्वेता कवात्रा जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। इस शो ने टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 4 साल तक राज किया और फिर ये शो 4 नवंबर 2016 को 1111 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर हो गया। फिर इसके बाद इस शो के सीजन 2 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था बालवीर रिटर्न्स, जिसमें हमें देव जोशी, वंशयानी, पवित्रा पूनिया और शुएब अली जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। इस शो ने भी टेलीविजन स्क्रीन पर तकरीबन 2 साल तक राज किया और फिर ये शो 30 जून 2021 को 354 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर हो गया। आप इसके सीजन 3 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इसमें तीसरे शो का नाम है इंडियन आइडल, जो के होगा सोनी टीवी पर लॉन्च और करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसका लास्ट सीजन पवनदीप राजन ने अपने नाम किया था। आप इंडियन आइडल के सीजन 13 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इसमें चौथे शो का नाम है ब्रह्म राक्षस सीजन 3, जो के होगा जी टीवी पर लॉन्च। इस शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसके पहले सीजन में हमें क्रिस्टल डिसूजा के अपोजिट अहम शर्मा देखने को मिले। यूनिक कॉन्सेप्ट के कारण इस शो ने व्यूअर्स के दिलों पर खूब राज किया और ये शो 57 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद 18 फरवरी 2017 को ऑफ एयर हो गया। अगर बात करें इस शो के सीजन 2 की, जिसमें हमें पागल की पूरी के अपोजिट निकी शर्मा देखने को मिली। इस शो ने भी यूनिक स्टोरी के कारण व्यूअर्स के दिलों पर खूब राज किया। ये शो 4 अप्रैल 2021 को 39 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर हो गया। आप इसके सीजन 3 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 5वें शो का नाम है तेरे संग प्यार में, ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसकी स्टारकास्ट के लिए ऑडिशन जारी है। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 6ठे शो का अभी नाम तो रिवील नहीं हुआ, बट ये शो स्टार प्लस पर लॉन्च होगा, जो कि फायरवर्क्स प्रोडक्शन हाउस का शो होगा, जो कि मुक्ता ढोन का प्रोडक्शन हाउस है, जो कि इससे पहले दिव्या दृष्टि और संजीवनी जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, तो इस शो के स्टारकास्ट के लिए राजवीर सिंह और सेलेस्टी बैरागे को फाइनलाइज किया गया है। सेलेस्टी बैरागे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ये इनका डेब्यू शो होगा, जबकि राजवीर सिंह इससे पहले कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें कुर्बान हुआ और सुफियाना प्यार मेरा के नाम टॉप पर हैं। आप मुक्ता ढोन के इस नए शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 7वें शो का नाम है इतना करो ना मुझे प्यार सीजन 2, जो के होगा सोनी टीवी पर लॉन्च। अगर बात करें इसके सीजन 1 की, जिसमें हमें यूनित रॉय के अपोजिट पल्लवी कुलकर्णी देखने को मिली। यूनिक कॉन्सेप्ट और जबरदस्त स्टोरी के कारण इस शो ने व्यूअर्स के दिलों पर पूरा 1 साल तक राज किया और फिर ये शो 208 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद 17 नवंबर 2015 को ऑफ एयर हो गया। आप इसके सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में आठवें शो का नाम है संजोग। ये शो होगा जी टीवी पर लॉन्च। ये शो रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का शो होगा, जो कि इससे पहले ससुराल सिमर का, साथिबाना साथिया और शक्ति जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो संजोग की, जिसमें काम्या पंजाबी, शिफाली शर्मा, हेतवी शर्मा और हैजर शाह जैसे पॉपुलर एक्टर्स को अप्रोच किया गया है। फिलहाल अभी इस शो का नाम संजोग है, जो कि चेंज भी हो सकता है। आप इस न्यू शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में नवे शो का नाम है अजूनी। ये शो होगा स्टार भारत पर लॉन्च, जिसमें हमें शुएब इब्राहिम और आयुषी खुराना की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें शुएब इब्राहिम की, तो वो ससुराल सिमर का की सीजन 1 और इश्क में मरजावा जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। आप इस न्यू शो अजूनी को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 10वें शो का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। ये शो करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जो कि होगा अगस्त में लॉन्च। आप इस शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 11वें शो का नाम है पिशाचिनी। ये शो एक सुपरनेचुरल शो होगा, जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा। ये शो शकुंतला टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस का शो होगा, जो कि इससे पहले लक्ष्मी घर आई, शास्त्री सिस्टर्स और ना आना इस ड्रेस लाडो जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। इस शो में हमें नायरा बैनर्जी और जया शंकर जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। आप इस शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 12वें शो का नाम है अली बाबा दास्तान काबुल। ये शो होगा सोनी सब पर लॉन्च, जिसको प्रोड्यूस करेगा पेनिसुला पिक्चर्स, जो कि इससे पहले अलादीन नाम तो सुना होगा और हीरो वाई मोड ऑन जैसे फैंटेसी मैजिकल शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, जिसमें हमें शिजान खान और तुनिशा शर्मा की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें शिजान खान की, तो वो इस शो में अली बाबा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि इससे पहले स्टार प्लस के पॉपुलर शो नजर के सीजन 2 का भी हिस्सा रह चुके हैं। जबकि तुनिशा शर्मा इस शो में शहजादी मर्जीना का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, जो कि इससे पहले इंटरनेट वाला लव, इश्क सुभान अल्लाह और हीरो गायब मोड ऑन जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। आप अली बाबा दास्तान काबुल को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 13वें शो का नाम है कहीं किसी रोज सीजन 2, जो कि होगा स्टार प्लस पर लॉन्च, जिसके पहले सीजन में हमें मौली गंगुली, यश स्ट्रॉन्ग और सुधा चंद्रन जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। यूनिक कॉन्सेप्ट और जबरदस्त स्टोरी के कारण इस शो ने व्यूअर्स के दिलों पर 30 साल तक राज किया। फिर ये शो 23 सितंबर 2004 को 1001 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर हो गया। आप इसके सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 14वें शो का नाम है शेर दिल शेर दिल। ये शो कलर्स टीवी पर लॉन्च होने वाला परिन मल्टीमीडिया का शो है, जो कि इससे पहले पिंजरा खूबसूरती का, कृष्णा चली लंदन और इस मोड़ से जाते हैं जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, तो इस शो की स्टारकास्ट के लिए धीरज दूपर और सुरभि चंदना को फाइनलाइज किया गया है। अगर बात करें धीरज दूपर की इस शो में रोल की, तो धीरज दूपर इस शो में शेरदिल शेरगिल का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि सुरभि चंदना के इस शो में रोल की अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। अपकमिंग शो की इस लिस्ट में 15वें शो का नाम है ना उम्र की सीमा हो। ये शो होगा स्टार भारत पर लॉन्च। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसकी स्टारकास्ट के लिए ऑडिशन जारी है। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शो की इस लिस्ट में 16वें शो का नाम है अदिति ऑटो वाली। ये शो दशामी क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस का शो है, जो कि इससे पहले मेरे साई और पूनिया श्लोक आलिया भाई जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। इस शो का नाम इससे पहले सावी की सफारी था, जो कि अब चेंज होकर अदिति ऑटो वाली हो गया है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की,
तो इस शो की स्टारकास्ट के लिए फरमान हैदर और समृद्धि शुक्ला को फाइनलाइज किया गया है। ये शो कलर्स कन्नांडा के शो मिथुना राशि का रिमेक होगा। अगर बात करें फरमान हैदर की, तो वो इससे पहले रक्षाबंधन, कसौटी जिंदगी के समेत विघ्नहर्ता गणेश जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं, जबकि इस शो में निगेटिव लीड के लिए मानसवी श्रीवास्तव को फाइनलाइज किया गया है, जो कि इससे पहले कुंडली भाग्य समेत दिव्या दृष्टि और इश्कबाज जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 17वें शो का नाम है झलक दिखला जा सीजन 10। ये शो एक डांस रियलिटी शो है जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा, जिसके जजेस के लिए करण जौहर, माधुरी दीक्षित, अनुरा फातेही को फाइनलाइज किया गया है। अगर बात करें इस शो के कंटेस्टेंट की, तो इस शो के कंटेस्टेंट के लिए दिव्यांका त्रिपाठी, मोहसिन खान, श्रद्धा आर्या, सिम्बा नागपाल जैसे पॉपुलर एक्टर्स को अप्रोच किया गया है। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 18वें शो का नाम है नजबलिए, जो कि होगा स्टार प्लस पर लॉन्च और करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसका लास्ट सीजन प्रिंस नरूला और यूविका चौधरी ने अपने नाम किया था। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 19वें शो का नाम है अफलातून सन ऑफ अलादीन। इस शो में अलादीन के बेटे अफलातून की स्टोरी को दिखाया जाएगा। आप इस न्यू शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 20वें और आखिरी शो का नाम है संसार। ये शो 1994 की पॉपुलर फिल्म राजा बाबू का रिमेक होगा, जिसको बालाजी टेल फिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करेगा, जो कि इससे पहले नागिन, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, तो इस शो की स्टारकास्ट के लिए पारलवी पुरी, आलोक नाथ, अरुणा रानी जैसे पॉपुलर एक्टर्स को फाइनलाइज किया गया है। फिलहाल अभी इस शो का नाम संसार है, जो कि चेंज भी हो सकता है। आप इस न्यू शो संसार को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले हमने कलर्स टीवी पर ऑफ एयर होने वाले शोज के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।